हर हर महादेव, करौली शंकर महादेव की जय। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, वनडे हवन से संबंधित आप लोग को जानकारी मिलेगी। डेढ़ दो साल पहले मैंने कई सारे वीडियोस बनाए थे, वनडे हवन की जानकारी आप लोग को दी थी। 2020 में भी बहुत सारे वीडियोस बना के दरबार की जानकारी में दी, फिर 21 में, 22 में, मतलब हर साल जब दरबार नई नई शक्तियाँ खुलता है तो दरबार में नए नए नियम भी लागू होते हैं, तो हर साल में नए नए वीडियोस बना बना के आप लोगों को बताती रहती हूँ, दरबार में ये चीज़ नया हुआ, ये बदला हुआ, वो बदला हुआ। तो 2024 में ना मेरी वीडियोस इतने कम आने लगे, हमारा रेस्टोरेंट खुला, बहुत सारी चीज़ें बदलाव हुई, तो 2024 में ना वीडियोस में बना के डाल नहीं पाई। तो आप ही लोगों में से भक्त आए और कह रहे हैं कि आपने बहुत सारी जानकारियाँ दी है, हर साल 2020, 21, 22, 23 में आपने कंटिन्यू जानकारियाँ दी है, लेकिन 2024 में आपकी जानकारी वाली वीडियो कोई आई नहीं है। तो उनकी डिमांड थी कि वनडे हवन के बारे में आप फिर से एक नया वीडियो बनाइए, क्योंकि बदलाव हुए हैं और जो नए लोग हैं उनको बड़ा ही सपोर्ट होता है आपकी वीडियो से। तो ये वीडियो खास उन्हीं लोगों के लिए है जो घर बैठे दरबार से जुड़ के दरबार में आना चाहते हैं, प्रक्रिया करना चाहते हैं, वनडे हवन करना चाहते हैं, नियमों के बारे में जानना चाहते हैं, वो सभी लोगों को एकदम आसान हो जाएगा। ठीक है, पहले का जो वीडियो था उसके अंदर जो वनडे हवन के बारे में बताया था उसमें वनडे ऑफिस भी कहीं अलग जगह था और बहुत सारी चीज़ें भी तब से अब तक में बहुत चीज़ें बदल गई हैं। तो सीधा हम चलते हैं पहले वनडे ऑफिस के पास। ठीक है, नए लोग हैं तो उनको ज़्यादा समझ में आएगा। अभी आप देख ही रहे हैं मैं करौली शंकर महादेव धाम, जो हमारा बाबा जी का जो मेन गेट है वहाँ पर मैं खड़ी हूँ। बाहर देखो, मेरे वीडियोस ज़्यादातर मैं बाबा के गेट के पास से शूट करती हूँ। क्यों? क्योंकि जब आप लोग नए हैं, दरबार आते हैं, तो आप लोग को कहीं इधर उधर जाना न पड़े। ठीक है, तो बाकी की जो बातें हैं ना, हम सीधा पहुंचते हैं शिव शक्ति दरबार, क्योंकि हमारा जो वनडे ऑफिस नया वाला है वो शिव शक्ति दरबार के पास में ही है। तो सीधा वहां पर चलते हैं, वहां पर चल के हम सारी बातें करेंगे। बहुत सारे बदलाव हुए हैं जो मैं अब समय निकाल निकाल के वो सारे एक एक टॉपिक पे अलग अलग वीडियो बना बना के बताती रहूँगी। आप लोग के कोई प्रश्न होंगे तो आप लोग कमेंट करके हमें बता दीजिएगा। तो चलते हैं सीधा वनडे ऑफिस के पास। दरबार के पास में आप चलते हैं वनडे ऑफिस के अंदर। हमारा जो वनडे ऑफिस है वो शिव शक्ति दरबार में ही है। पहले वनडे ऑफिस आपने देखा होगा मेरी वीडियोस तो उस साइड में था, वहां से अब शिफ्ट कर दिया गया है, अब वो शिव शक्ति दरबार में आ चुका है। ठीक, तो चलते हैं हम शिव शक्ति दरबार में। शिव शक्ति दरबार में जैसे आप गेट पे ही आते हो ना, राइट साइड में एकदम सीधा है, एकदम से अंदर आपको जाना नहीं है। राइट साइड में हमारा वनडे ऑफिस है और अभी लाइट नहीं है इसीलिए अंदर का दिख नहीं रहा है। बाकी अभी अंदर चलेंगे, थोड़ा सा वहाँ पे वनडे हवन से संबंधित कुछ जानकारियाँ लिखी हुई हैं जो मैं आप लोगों को करीब से जाकर दिखा दूँगी। और यहाँ पर आप आते हैं तो जैसा कि आप लोग को पता है 151,000 रुपये आप लोगों का वनडे हवन के लिए लगता है। एक व्यक्ति अगर गुरुदेव से मिलना चाह रहा है तो उसका 151,000, लेकिन पूरा DNA पूरा परिवार अगर मिलना चाह रहा है गुरुदेव से तो 162,000 रुपये उनका लगता है। इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखिएगा। और पहले तो क्या हो रहा था कि वनडे हवन में अगर आप लोगों को
वनडे हवन कराना है तो उसकी बुकिंग आप लोगों को एक आध हफ्ता पहले 10 दिन पहले ऑनलाइन करानी पड़ती थी। देखा होगा आप लोगों ने वीडियो, लेकिन अब ऐसा होता है कि आप जिस दिन आते हैं अगर आप कैश पेमेंट लेके आए हैं तो उसके नेक्स्ट डे ही आप लोग का हो जाएगा, मतलब कोई दिक्कत नहीं होती है। इसलिए नहीं होती है क्योंकि अब जो यज्ञशाला है ना वो भी बड़ा बन चुका है। पहले माँ के दरबार में हवन होता था तो वहाँ अपना जो हवन कुंड था वो थोड़ा छोटा था, लेकिन अब जो है हवन कुंड काफ़ी बड़ा बना हुआ है तो वहाँ पर काफ़ी एक साथ में 50-60 लोग आराम से बैठ सकते हैं। इसीलिए फटाफट सब लोग का एक ही दिन में आप लोग आते हैं, बुकिंग भी हो जाती है और सब कुछ आप लोग का हो जाता है। तो अभी हम चलते हैं वनडे ऑफिस के अंदर, आइए। वनडे ऑफिस में जाने से पहले यहाँ पे कुछ चीज़ें लिखी हुई है ना, निःशुल्क एक दिवसीय महाहवन बुकिंग भी यहाँ पर होता है और उसका भी कुछ नियम है जो अभी आप लोगों को बताया जाएगा। शुरू होने जा रहा है डेली जो वनडे हवन महाहवन शुरू होता है वो सुबह 8:30-9 से शुरू होता है, बस वो शुरू कराने के लिए जा रहे हैं, बाद में इसकी जानकारी आपको। जो नया वाला यज्ञशाला है ये हम लोग देखते हैं, यज्ञशाला हम थोड़ा अंदर तक जाकर देख लेते हैं। यहाँ पर ना ये नया वाला यज्ञशाला है, यहाँ पर ही वनडे हवन होता है और यहाँ पर ही माँ हवन होता है और यहाँ पर सभी भक्तों को जो लोग अपना वनडे हवन महाहवन करा रहे हैं उनको प्रॉपर जानकारी दी जाती है, नियम के बारे में समझाया जाता है, सारी चीज़ें आपको बताई जाती हैं। और ये अद्भुत यज्ञशाला है यहाँ पे बाबा ने बनवाई हुई है और यहाँ पर ही सुबह सुबह जो लोग वनडे हवन महाहवन करते हैं उनका जो 10 महाविद्याओं का जो हवन होता है यहाँ पर ही होता है। इसी व्यवस्था बढ़िया तरीके से पूरी रखी हुई है बैठने के लिए, पूरा देख सकते हैं इतना सुंदर। और ये जो यज्ञशाला है यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पानी है नीचे ना, मस्त, मतलब पंच तत्वों को ध्यान में रख कर ये यज्ञशाला बनी हुई है, अद्भुत एकदम, बहुत सुंदर। अभी थोड़े देर में ही ब्राह्मण देवताओं का आगमन होगा और उनके द्वारा हवन शुरू होगा और यहाँ पे लाइन से लोग बैठे हुए हैं, यहाँ पे सभी लोग बैठे हुए हैं जिनका वनडे हवन होना है और महाहवन होना है। और कुछ नियम है जो दरबार के सेवक बता रहे हैं, उनको समझा रहे हैं। जैसे ये हवन स्टार्ट हो जाएगा ना उसके बाद आप लोग को हम समझाते हैं पूरा, ठीक, जो जो नए नए बदलाव हुए हैं उसके। वनडे हवन से संबंधित आगे की जानकारी जो है ना आपको दरबार के सेवक देंगे, तो उनके पास चलते हैं और उनसे पूछते हैं क्योंकि ज़्यादा समय वनडे जो वनडे हवन कराने आते हैं उनके संग और महाहवन जो कराने आते हैं उनको जानकारियाँ देने का जो सेवा है वो इन्हीं को दी जाती है। तो आप थोड़ा बता दीजिए कि जो नए नियम में बदलाव हुए हैं वो कैसे कैसे हुए हैं। सबसे पहले प्रणाम है आप सभी को और माही को भी, क्योंकि माही वीडियो जो बना के आप लोगों का जो इतना मदद करती है उसके लिए माही जी को भी हम धन्यवाद ही देंगे। आपको धन्यवाद। आप जानकारी देने जा रहे हैं। वनडे का जो जानकारी है, वनडे देखिए, वनडे और महाहवन जो दरबार के जो प्रोसेस हैं ये बहुत आसान हो चुका है। बहुत आसान मतलब के सबसे पहले तो देखिए कोई भी आपके घर की समस्या हो, कोई भी समस्या हो, उस समस्या के लिए आपको सबसे पहले दरबार आना है। ये भूल के भी मत सोचिएगा कि नहीं घर से हम कुछ जानकारी प्राप्त कर लें कि क्या है क्या नहीं है और उसके बाद यहाँ है, नहीं। सबसे पहले आप दरबार के नियम के बारे में जानिए, जो भी यूट्यूब पे आपको वीडियोस मिल जाएंगे, माही जी के भी मिल जाएंगे और दरबार के भी वीडियोस हैं का, वो नियम समझने के बाद दरबार में आना है। नियम समझना मतलब तीन नियम है, एक
पद यात्रा, दंडवत यात्रा या नमन का है जो निःशुल्क होता है, जिसमें कोई भी चार्जेस आपका नहीं लगेगा। उसके बाद जो है अगला नव हवन का है, नव हवन आरोग्य हवन का, तो वो एक्चुअली दरबार की बहुत पुरानी शक्तियों में से वो हवन का प्रक्रिया है जिससे आपके पूर्वज मुक्त होते हैं। पूर्वजों की जो समस्या है सिर्फ वो जाती है, और पूर्वजों की समस्या जाने के बावजूद भी आपके लगभग 60-70% समस्या जो सांसारिक और जो ये गलत जगहों से जो गंदगी इकट्ठा हुई है ऊझा सुखाओं मुला मौलवियों से, तो वो सब गंदगी हुई, कर्म भोग की गंदगी हुई, ये सब कटने में समय लगता है। तो शारीरिक रोग कष्ट जो है उन्हें बहुत समय लगता है वो हवन करके ठीक करने। तो नव हवन आपके पूर्वजों की समस्या खत्म करने के लिए ठीक है, लेकिन उसके अलावा अगर आपके कोई रोग हैं, कष्ट हैं, तो आपको या तो वनडे हवन, जो तीसरा नियम है, वनडे हवन की प्रक्रिया में जाना होगा, या तो आपको आवाज आ रहा होगा इधर से आ रहा है, थोड़ा फटाफट बोलना पड़ेगा क्योंकि बैटरी भी कम है। तो वनडे हवन आप अगर करवाना चाहते हैं दरबार में, उसके लिए 151,000 रुपये, या तो आप जो माही जी अभी जो आपको अकाउंट डिटेल देंगी उस नंबर पे, अकाउंट नंबर पे यस बैंक का अकाउंट नंबर है, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हो जाएगा, राधा रमन शिष्य संप्रदाय के नाम से ये अकाउंट नंबर है, इसी अकाउंट नंबर में आपको या तो ट्रांसफ़र कर दें, ट्रांसफ़र करने के बाद जो भी आपकी स्लिप आती है उसको सेव करके रख दें, और उसके नीचे माही जी जो डिस्क्रिप्शन देंगे उसके नीचे एक जगह लिखा हुआ होगा कि आप जो पेमेंट किए हैं उस पेमेंट का रिसिप्ट उस नंबर पर व्हाट्सअप कर दीजिए, तो वो जो नंबर है उस नंबर पर आपको व्हाट्सअप कर देना है। और उसके अलावा इंक्वायरी के लिए, क्वेरीज के लिए एक नंबर दिया गया है, जो भी आपको वन डे से संबंधित, बुकिंग से संबंधित कोई भी प्रक्रिया, अगर आपने पेमेंट कर दिया है उनको व्हाट्सअप भी कर दिया तो फ़ोन पे बात कर सकते हैं उस नंबर पे कि मैंने पेमेंट कर दिया है और मेरा नाम ये है, मैंने आपको रिसिप्ट भेजा है, उसके बाद से वो आपको बताएंगे कि आप किस तारीख को आना चाहते हैं, उस डेट का आपका हवन बुकिंग कर दे, तो घर से बैठे बैठे आप इस तरीके से बुकिंग करा सकते हैं। और रही बात यहाँ आके बुकिंग कराने की, तो यहाँ आके अगर आप तुरंत 151,000 ट्रांसफ़र करेंगे अगर अकाउंट, तो वो तुरंत नहीं होता है। बहुत सारे लोगों के प्रॉब्लम्स आ जाते हैं कि किसी का 50,000 हो पाया एक दिन में, या किसी का 1,00,000 हो पाया तो बाकी का बच जाता है, जिसके कारण एक दो दिन लेट हो पाता है। ठीक है, क्योंकि जब आप आते हैं दरबार में, दरबार के नियम अनुसार जब आपके पेमेंट हो जाते हैं उसके बाद से आपको हवन करने का ये मिलता है, समय दिया जाता है, उस समय पर आपको हवन करना होता है। तो दरबार में आप आ रहे हैं तो या तो अकाउंट में ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं, जब दरबार आते हैं तो दरबार आके भी ऑनलाइन ट्रांसफ़र करके आप अपना हवन बुकिंग करा सकते हैं, या घर बैठे बैठे भी ऑनलाइन ट्रांसफ़र करके बुकिंग करा सकते हैं। ध्यान रखिएगा, जो नंबर जो दिया गया है वो सिर्फ बुकिंग के रिलेटेड है, कोई समस्या है या कुछ प्रॉब्लम है, कोई सवाल है दरबार के प्रति, या आपके मन में कुछ उत्सुकता है कि पूर्वजों को कुछ जाने मेरे ऊपर क्या समस्या है, तो प्लीज़ ऐसे चीज़ों के लिए उस नंबर पर कांटेक्ट नहीं करना है। वो नंबर सिर्फ आपको बुकिंग के लिए दिया गया है ताकि आपका वनडे हवन का बुकिंग हो जाए, बाकी सभी चीज़ें आपको दरबार आने के बाद ही पता चलेगी, तो इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे। उसमें एक नंबर दिया है गोपाल जी करके, उस नंबर और आपको वनडे हवन करना है तुरंत तत्काल में, तो उस नंबर पे आप संपर्क करके गोपाल जी, ध्यान रखिएगा जो नंबर उसमें दिया गया है डिस्क्रिप्शन में गोपाल जी, उस नंबर पर किसी भी क्वेरी के लिए फ़ोन नहीं करना है। उसके ऊपर अगर कोई इमरजेंसी आ पड़ी है आपके घर में और आपको तत्काल वनडे हवन करना है, उसके लिए आप उस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं, तो वो आपको मार्ग बता देंगे। बाकी बस आपका बुकिंग हो जाता है और फिर हवन होता है, हवन का प्रोसेस पूरा एक दिन का होता है, और उसके अंदर परिवार से जो स्वस्थ व्यक्ति होता है वो व्यक्ति आके हवन कर सकता है। महाहवन के बारे में बता दो, कुछ लेके लाना पड़ता है महाहवन के लिए? देखिए, वनडे हवन अगर आपने किया है तो महाहवन करवाना आवश्यक है, चाहे आपने 1 साल पहले वनडे हवन करवाए हैं, चाहे 2 साल पहले करवाए हैं। दरबार आना है, टोकन लेना है, गुरुदेव से मिलना है आपको, गुरुदेव से मिलने के बाद गुरुजी आपको निःशुल्क महाहवन करने के लिए एक पर्ची प्रदान करेंगे, वो पर्ची लेकर के आपको वनडे ऑफिस में आना होता है, और वनडे ऑफिस में आके 2100 रुपये ब्राह्मणों की दक्षिणा होती है पूजन का, वो दक्षिणा मात्र आपको दे करके आप निःशुल्क महाहवन जो है वो कर सकते हैं। उसके अंदर भी परिवार से एक ही आदमी की आवश्यकता है, ठीक है, किसी भी परिवार से दूसरे सदस्य की जरूरत नहीं है। जो हवन करने आएंगे वो स्वस्थ होने चाहिए, घर के जो परिवार के स्वस्थ व्यक्ति हैं वो आके महावन करके, पूरे दिन एक दिन लगते हैं महावन में भी, और अगले दिन गुरुजी से एक 2 मिनट का संकल्प होता है जो सुबह लगभग 90% समय में सुबह हो जाता है, और उसके बाद आपका हवन प्रोसेस पूरा हो जाता है। डॉक्यूमेंट लाना पड़ता है? उसमें डॉक्यूमेंट में सिर्फ आपको आधार कार्ड और कुछ अगर आपके
डॉक्टर के इलाज आपने करवाए हैं, इस बात पर विशेष ध्यान रखिएगा कि निःशुल्क महाहवन खास करके रोगी व्यक्ति के लिए होता है जिसको शारीरिक कष्ट है, जो ज़्यादातर इलाज करवा रहे हैं। तो जो भी आप इलाज करवा रहे हैं उसका आप लोगों को रिपोर्ट जो भी डॉक्टर की होगी वो ले करके आना है। उसका देखिए रिपोर्ट क्यों लेकर के आना है ये मैं समझाऊंगा तो बहुत लंबा चले जाएगा, बस इतना बोल रहे हैं रिपोर्ट्स लेकर के आने हैं। उसके दो कारण हैं, ताकि आपकी जो स्मृति है जो डॉक्टर से डॉक्टर द्वारा घुसाई गई है आपके दिमाग में वो भी दरबार में जमा होती है, और दरबार आपका देख भी सकता है कि हाँ आपको क्या समस्या थी और अब आपकी समस्या में क्या सुधार है आपके पिछले रिपोर्ट के अनुसार देखा जा सकता है, और दरबार उस रिपोर्ट को देख करके आप में और क्या कमियाँ हैं ये भी पता लगा सकता है। तो आप लोग प्लीज़ रिपोर्ट जो है वो रिपोर्ट भूल करके भी आप लोग घर पर ना छोड़ के आएँ। जो भी रिपोर्ट आपके घर पे पड़ी है उसको टांग के मत रखिए शोकेस में, उसको लेके आइए और दरबार में जमा कराइए। अगर आप वनडे हवन करवाए हैं और आप चिकित्सा करवा रहे हैं दरबार में तो ज़रूर इसको लाना है। महाहवन जब आपका होगा उस महाहवन के साथ आपको लेके आना है, और लेके आने के बाद फिर वो एक फॉर्म भरवाया जाएगा। वो फॉर्म भी भरने में 2-5 मिनट लगता है। फॉर्म भरने के बाद आपका हवन होता है, 2100 रुपये जमा होता है, फिर हवन होता है। हवन होने के बाद फिर आप फ्री होते हैं अगले दिन। तो बहुत छोटा सा प्रोसेस है, बिल्कुल भी इसमें ये आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है कि मेरा वनडे हवन हो गया महाहवन कैसे होगा क्या होगा, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपका 2-3 महीने हुआ है अभी महाहवन वनडे हवन को तो आप दरबार आकर के 8 नंबर काउंटर पे मिल के भी करवा सकते हैं, लेकिन अगर 6 महीने या 1 साल बीत चुका है वनडे हवन करवाएं तो उसके लिए गुरुजी से मिलना ज़रूरी होता है। इसलिए 11,000 का टोकन ले करके आपको गुरुजी से मिल के और फिर महाहवन होता है। ध्यान रखिएगा महाहवन सभी के लिए ज़रूरी है जिन्होंने वनडे हवन किया है, ठीक है। तो महाहवन और वनडे हवन का बहुत छोटा सा प्रोसेस है जो आप लोग दरबार आने के बाद ही इसकी जानकारी आपको मिल पाएगी। और वनडे हवन और महाहवन ये दोनों हवन में 2-2 दिन जाते हैं, इस बात का विशेष ध्यान रखें। उसके अनुसार ही आप अपना जो भी शेड्यूल है उसके हिसाब से ही बनाएं। अगर आप गुरुजी से मिलने के लिए आ रहे हैं तो अपने दरबार के कार्य से गुरुदेव थोड़ा व्यस्त हैं, बाहर जो भी दरबार हमारे जो दरबार का विस्तार हो रहा है उसमें, जिसके कारण 11,000 के टोकन तुरंत नहीं देखे जाते हैं। तो अगर आप 11,000 के टोकन ले रहे हैं तो आप आ करके सबसे पहले टाइम कंफर्म कर लें वनडे ऑफिस से कि हम अगर टोकन आज ले रहे हैं तो गुरुजी से मुलाकात कब होगी, और उसके अनुसार आप टोकन ले करके अगर रुक सकते हैं तो रुक सकते हैं, अगर नहीं रुक सकते हैं तो 8 नंबर काउंटर पे आप डेट बढ़वा सकते हैं, ताकि आप 10 दिन 20 दिन के बाद 1 महीने के बाद आ रहे हैं तो आपका वो टोकन काम आ जाए और आपकी गुरुजी से मुलाकात हो। तो ये बहुत छोटा सा प्रोसेस है, अब लगभग मेरे हिसाब से कोई चीज़ बाकी नहीं है, सिर्फ वनडे और महाहवन के लिए ये वीडियो बना रही है माही। तो बाकी तो कोई प्रश्न होगा तो आप लोग कमेंट करिएगा, तो एक एक करके वीडियो अलग अलग टॉपिक पे बना बना के आप लोग को बताएंगे। एक और छोटा सा है कि जो लोग 90,000 में जो वनडे हवन का जो ये निकला हुआ है, इस प्रोसेस में ये प्रोसेस बाबा माँ की कृपा से उन भक्तों को एक गिफ्ट दिया है बाबा माँ ने, एक तरीके से आपको उपहार दिया है कि आपका जो 1.5 लाख का हवन है 1,51,000 का, 1,51,000 का वो हवन मात्र आपका 90,000 में होता है। कैसे होता है उसका भी एक छोटा सा प्रोसेस है जो समझ लीजिए। देखिए ये जो अभी बाबा जी का बर्थडे गया है उस बर्थडे से एक नई शक्ति खुली कि जिन भक्तों ने बर्थडे से पहले 9 हवन की प्रक्रिया किए हुए हैं और आरोग्य हवन किए हैं, ध्यान रखिएगा 9 हवन पूर्ण और आरोग्य हवन किए हैं, उसके बाद दीक्षा ली है, गुरु दीक्षा भी लिए हुए हैं, अगर ये तीनों चीज अगर आप किए हुए हैं बाबा के बर्थडे से पहले, ये जो बर्थडे 2024 फरवरी में मनाया गया था उसके पहले अगर आपने 9 हवन किया है और 9 हवन करने के बाद आपने आरोग्य हवन किया है और गुरु दीक्षा लिए हैं, तो आप यहाँ पर आए सीधा दरबार। अगर आपको वनडे हवन करना है तो सीधा दरबार आना है, 8 नंबर काउंटर पर आके अपना जो कार्ड है जो आपको दीक्षा के समय मिला था, एक आईडी कार्ड मिला होगा, वो कार्ड लेकर के आना है, 8 नंबर काउंटर पे दिखाना है, वो चेक करेंगे, चेक करने के बाद आपको एक फॉर्म बना के देंगे, वो फॉर्म लेकर के 90,000 रुपये लेकर के आपको वनडे ऑफिस पहुंचना है, वहाँ 90,000 रुपये जमा कराएं, ऑनलाइन ट्रांसफ़र करें, और उसके बाद से आपको तुरंत अगले दिन का डेट मिल जाता है वनडे हवन करने। तो उसमें भी बहुत साधारण सी प्रक्रिया है, बस ये है कि लोग कन्फ्यूज़ हैं कि 9 हवन जिन्होंने किया आरोग्य नहीं किया है वो लोग भी आ जा रहे हैं। कुछ लोग हैं जो वनडे किए हैं पहले और फिर वापस से वो वनडे करना चाहते हैं और वो बोल रहे हैं कि हम 90,000 में करना चाहते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, अगर आप पहले वनडे हवन किए हैं और गुरु दीक्षा लिए हैं और वापस से वनडे हवन करवाना चाहते हैं 90,000 वाला, तो उसके लिए आपको गुरुजी से एक बार संपर्क करना है, मिलना है, गुरुजी के आदेश अनुसार ही वो चीज़ हो।
ठीक है। तो आप लोग जिनका भी 90,000 में होना है, तीन नियम, नौ हवन होना जरूरी है बाबा के बर्थडे से पहले, आरोग्य हवन हो चुका जरूरी है, और गुरु दीक्षा लेना जरूरी है। ये तीनों अगर हुआ है आपका बाबा के बर्थडे से पहले, तो आप तुरंत आकर के 8 नंबर काउंटर पे मिल के और आप अपना वनडे हवन करवा सकते हैं। कहीं आपको कोई भी चीज़ पूछने की आवश्यकता नहीं है। बाकी कोई प्रश्न बचता है अगर, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में आप लोग अपना कमेंट करें, उसका भी जवाब आपको दे दिया जवाब देंगे और उस टॉपिक पे अलग से वीडियो बना के बताएंगे। 2024 में बहुत सारे नियमों में परिवर्तन हुआ है, जो आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप डेली डेली कुछ ना कुछ नया नया वीडियो बना के बताते रहेंगे। ठीक, तो इस वीडियो को हम यहाँ पे ही रखते हैं। हर हर महादेव। करौली शंकर महादेव की जय।